नाम है सुमित डांगी। तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने खड़ी आज रॉयल इनफील्ड क्लासिक, ये कुछ सामने से दिखने में ऐसी है। ये देखिए आपको इसमें LED नहीं मिलते, आपको इसमें बस बल्ब मिलते हैं। आपको इसमें आपको ये देखिए इसमें आपको 13.5 लीटर की पेट्रोल टंकी मिलती है। ये देखिए साइड से कुछ दिखने में ऐसी है। ये इसमें आपको ये देखिए रियर से कुछ दिखने में ऐसी है। ये आपको इसमें हेलमेट फ्री में नहीं मिलता, आपको इसमें ख़रीदना पड़ता आपको इसके साथ ही। ये देखिए पीछे से कुछ ऐसी है। ये इंडिकेटर भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। इसमें आपको इंजन पावर जो मिलती है ये देखिए रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड कुछ ग्रीन कलर में, ये डार्क ग्रीन कलर में आती है। देखिए ये देखिए कुछ ये आती है रॉयल इनफील्ड की ग्रीन कलर में, ब्लैक एंड ग्रीन में काफ़ी अच्छी लग रही है ये। इसमें माइलेज जो मिलती है आपको इसमें 40 की मिलती है। इंजन मिलता है आपको इसमें 350 cc का। पावर जो मिलती है आपको इसमें 20.7 PSP की। ये देखिए बैक से कुछ ऐसी है ये दिखने में। इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और बैक में आपको मिलते हैं ड्रम ब्रेक। ये देखिए इसका इसमें स्पीड मीटर दे रखा है। और ये देखिए कुछ सामने से दिखने में ऐसी है ये। इसमें मैक्स पावर मैक्स टॉर्क भी मिलता है आपको 28 NM पे। इसमें आपको जो टायर साइज ये देखिए कुछ अलग अलग टाइप के कलर दे रखे हैं रॉयल इनफील्ड के, आप कोई भी कलर लगवा सकते हैं इसमें। इसमें टायर का साइज आता है आपको फ्रंट का मिलता है 19 inches का और बैक का मिलता है 18 inches का। ये देखिए वाइट कलर में काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसमें आपको मिलता है ब्रेक आपको इसमें मिलता है। देखिए फ्रंट ब्रेक डायमीटर आपका इसमें आता है 280 का और रियर डायमीटर आता है इसमें 240 का। ये साइड से कुछ दिखने में ऐसी है, काफ़ी अच्छी लग रही है। शॉकर भी काफ़ी हार्ड दे रखे हैं इसके। और इसमें माइलेज आपको 40 की मिलती है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।